मथुरा वृंदावन नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त ने कार्यभार ग्रहण करते ही अपनी मंशा जाहिर कर दी है। उन्होंने नगर निगम की 3000 वर्ग गज जमीन को कब्जा मुक्त कराया है। नगर निगम की इस जमीन की अनुमानित कीमत लगभग 50 करोड़ रुपए बताई जा रही है। राकेश कुमार त्यागी सहायक नगर आयुक्त ने ये प्रभार भी कार्रवाई की है। ब्रज नगरी मथुरा वृंदावन नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त ने भूमाफियाओं के इरादों पर पानी फेरते हुए नगर निगम की कब्जा हुई जमीन को भूमाफियाओं से मुक्त कराया है। मामला NH2 कुसुम वाटिका के पास नगर निगम की 3000 वर्ग गज जमीन का है, जिस पर भूमाफियाओं द्वारा अवैध तरीके से कब्जा किया जा रहा था। नगर आयुक्त शशांक चौधरी के निर्देश पर तत्काल संज्ञान लेकर नवागत सहायक नगर आयुक्त राकेश कुमार त्यागी ने निगम की बेशकीमती जमीन को कब्जा मुक्त कराया है। सहायक नगर आयुक्त के साथ मथुरा वृंदावन नगर निगम की ETF फोर्स और पुलिस बल की मौजूदगी में ये प्रभावी कार्रवाई की गई। ये यहाँ पे NH के नज़दीक ग्राम गोविंदपुर है, जो कि नगर निगम के अंतर्गत आता है, नगर निगम मथुरा के अंतर्गत आता है। यहाँ पे आज खबर मिली थी कि यहाँ कुछ लोग जो है अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं। ये ज़मीन काफ़ी बेशकीमती है, NH से मिली हुई है। वो लोग अपने कोई पुराने पट्टे वगैरह दिखा रहे हैं और ये ग्राम वालों ने उनका विरोध किया। नगर आयुक्त महोदय के आदेश पर मैं यहाँ पर आया और हमारे साथ पूरी टीम थी, JCB थी, हमारे कानगो लेखपाल साहब थे और हमारी अतिक्रमण हटाने वाली टीम थी। उनके हमने डॉक्यूमेंट देखे हैं तो कोई उनका आधार नहीं बनता है, पुराने वो दिखाते हैं। तो हमने इस पे उनका JCB से उनकी नींव वगैरह हटवा करके अपना नगर निगम का बोर्ड लगा दिया है और नगर निगम के अंतर्गत ये भूमि आती है। लगभग कितनी भूमि होगी ये? लगभग एक हज़ार वर्ग बताओ, ये लगभग एक हेक्टेयर भूमि होगी। लगभग 3000 वर्ग मीटर, 3000 वर्ग मीटर, 3000 वर्ग मीटर के लगभग भूमि है। सहायक नगर आयुक्त जाते कि हम भूमाफिया फिर सक्रिय हुए, लेकिन आपने उन सक्रिय भूमाफिया को फिर डाउन कर दिया है, क्या कार्रवाई करेंगे अब तेजी से या मथुरा नगर निगम के? बिल्कुल, देखिए जो भी बेशकीमती जमीन है, जो भी भूमि या संपत्ति है जो नगर निगम के अंतर्गत आती है, उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। हमारे साथ पूरी टीम है और नगर आयुक्त महोदय जी के नेतृत्व में हम इनको इन पर अवैध कब्जा नहीं होने देंगे और कहीं पर अगर अवैध कब्जा होगा तो उनके विरुद्ध जो है कठोर कार्रवाई करेंगे। DG महाराजा न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।